हे एवरीवन, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ कि हमारे रिजल्ट्स हमारे एक्शंस पे डिपेंड करते हैं। हमारा एक्शन हमारे डिसीजन पे, हमारा डिसीजन हमारे इमोशंस पे, और हमारे इमोशन डिपेंड करते हैं हमारे वर्ड्स पे। इन शॉर्ट, हमारे वर्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इससे हम एक्चुअली में खुद की एनी वन दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से हर कोई अपने वर्ड्स की इस पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 पावरफुल लाइन ऑफ वर्ड्स शेयर करूंगा जिसे हमें एक्चुअली में डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए खुद को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए, लेकिन हम करते नहीं है। इसलिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करता है, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये 5 लाइंस आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। आजकल मैं वहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, जहाँ मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने इश्यूज और डाउट डिस्कस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, आई एम रॉन्ग। ऑथर ने इसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइन इसलिए कहा है क्योंकि खुद की गलती एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सा गट्स और कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है। आज के टाइम पे हम सिंपली मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की जगह दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। हमें पता होता है कि मिस्टेक हमारी है, देन टू हैनी हाउ हम दूसरों को उस गलती का क्रेडिट देने में बिजी रहते हैं। अब इसकी वजह से हमारी लाइफ डिप्रेसिव तो हो जाती है, प्लस लोगों के साथ हमारे रिलेशन भी खराब होने लगते हैं। और सो अगर आप लाइफ टाइम सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को बदल नहीं सकोगे। इनफैक्ट आपकी लाइफ और भी बदतर होते जाएगी। लेकिन जब आप सामने वाले को सही समझ के खुद की जेन्युइन मिस्टेक को आई एम रॉन्ग बोल के एक्सेप्ट करते हो, तो ये चीज आपके रिलेशन को और स्ट्रांग बनाती है। आपके सामने बहुत सी चीज सिंप्लीफाई होके क्लियर होने लगती है, आपको बहुत सी चीजों का सॉल्यूशन मिलने लगता है, और फिर जिसकी वजह से आपकी लाइफ इंप्रूव होने लगती है। नंबर 2, आई एम सॉरी। जब आप खुद की गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उस एक्सेप्टेंस के साथ आपका सॉरी बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, किसी भी गलती के लिए, स्पेशली खुद की गलती के लिए, खुद को डिफेंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन इस डिफेंसिव नेचर की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। लेकिन जब आप आई एम सॉरी बोलते हो तो इससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है, आपका लोगों के साथ रिलेशन भी बेटर होने लगता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होने लगती है। अब आपको सॉरी सिर्फ तभी नहीं बोलना चाहिए जब आपकी गलती हो, अपने इमोशन को ट्रूली एक्सप्रेस करने के लिए भी आप सॉरी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, सपोज करो आपका फ्रेंड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है या उसके घर में कोई उसका क्लोज वन ऑफ हो गया है, तो आप आई एम सॉरी बोल के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो। नंबर 3, यू कैन डू इट। मैं अपने डेली की लाइफ में ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ जो हर वक्त खुद पे डाउट करते, जो खुद की एबिलिटी पे हमेशा शक करते रहते। लेकिन जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन यू कैन डू इट बार बार यूज करते हो, तो ट्रस्ट मी, इस अफर्मेशन में इतनी पावर है कि इसकी हेल्प से आप सक्सेसफुल बन सकते हो। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करते हुए ये कहना चाहिए कि वो कर सकते, वो जो चाहे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते। इनफैक्ट हर जन को ये जानना चाहिए और उस पर बिलीव भी करना चाहिए कि वो जो चाहे लाइफ में अचीव कर सकता है। अब इस अफर्मेशन की पावर को और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको 2 चीजें करना होगा। पहला, दूसरों को डिस्करेज करने की जगह हमेशा उन्हें हिम्मत दो, उन्हें मोटिवेट करो, क्योंकि ये चीज आपको भी फिर मोटिवेट करेगी। दूसरा, अगर कोई आपको डिस्करेज करे तो बहरे बन जाओ और उनके हर एक वर्ड्स को टोटली इग्नोर करो। नंबर 4, आई बिलीव इन यू। फ्रेंकली कहूँ तो ये लाइन 3rd पॉइंट से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप दूसरों पे बिलीव करते हो, ये चीज आप बिना बोले सिर्फ अपने एक्शन की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो आप उन्हें चिल्लाओ मत, उनकी मिस्टेक रियलाइज कराओ और उन्हें बिलीव कराओ कि वो इससे बेटर करके बेस्ट बन सकते। हर इंसान के अंदर बहुत से डाउट्स होते हैं और जब कोई नेगेटिव बात उनसे कहता है कि वो नहीं कर सकते, तो उनका डाउट कंफर्मेशन में बदल जाता है। लेकिन जब आप बोलते हो कि आई बिलीव इन यू, तो ये चीज उनके अंदर होप पैदा करती है, उनके सेल्फ बिलीव को बूस्टअप करती है कि यस, वो भी अपनी लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते। नंबर 5, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये हमारा भी नेचर होता है और उन लोगों का भी जो हमसे क्लोज होते हैं, कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे। जब वो कुछ अचीव करे लाइफ में तो उन्हें अप्रिशिएट करे। और फ्रेंकली कहो तो ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनसे कहो आई एम प्राउड ऑफ यू। जब आप ये लाइन कहते हो तो सामने वाले का सेल्फ बिलीव एकदम से इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली उन लोगों का जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डाउटफुल होते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए स्पेशली ये बात मैं पेरेंट्स और टीचर से कहना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम अपने बच्चों और स्टूडेंट से कहते रहा करो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 5 पावरफुल बातें जो हमें रेगुलर बेसिस पे कहते रहना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते। पहला, आई एम रॉन्ग। दूसरा, आई एम सॉरी। तीसरा, यू कैन डू इट।
चौथा आई बिलीव इन यू और पांचवा आई एम प्राउड ऑफ यू। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक 10 पावरफुल फ्रेजेस फॉर पॉजिटिव पीपल से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो सभी भी इन पांचों लाइन्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सके। और अगर आप ये लेसन और इस बुक में बताए गए बाकी की पांच बातें भी और ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप इसमें से कौन से वर्ड डेली बेसिस पे यूज करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग के हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।